हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का नया टॉपिक, दैट इज एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो अभी तक आप लोगों ने यहाँ तक की कोई भी वीडियो मिस हो चुकी है तो ऐसे जस्ट एक बार जरूर देख लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके प्लेलिस्ट को थ्रू कर सकते हैं। एंड लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट बायोट सावर्ट लॉ, उसी के ही एक तरीके से एक्सटेंडेड फॉर्म है। तो अगर हमने जैसे पढ़ा हुआ है बायोट सावर्ट लॉ में, क्या पढ़ा हुआ है कि मान लीजिए कि कोई भी एक कंडक्टर है, ठीक है, इसमें से आई करंट पास कर रहा है, कोई एक पॉइंट पी यहाँ पर दूर है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने इस पी पॉइंट पर बताना है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इस कंडक्टर के ऊपर एक लेंथ एलिमेंट मान लेते हैं, मान लो इतना सा हमने लेंथ एलिमेंट मान लिया डीएल, ठीक है, और इसमें से करंट पाई पास कर रहा होता है आई, तो आई डी एल जो हो जाता है उसे हम बोल देते हैं करंट एलिमेंट, ठीक है, तो इसे हम बोल देते हैं करंट एलिमेंट बोल देते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि ये जो पी है यहाँ से कितना दूर है, दैट इज आर, और ये कितना एंगल बनाता है, दैट इज थीटा, ठीक है। फिर हम बताते हैं कि इस पॉइंट पर ड्यू टू दिस स्मॉल करंट एलिमेंट कितनी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो डी बी हम क्या निकालते थे, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर, आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये होती थी हमारी मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल सी मैग्नेटिक फील्ड ऑन दिस पॉइंट ड्यू टू दिस स्मॉल करंट एलिमेंट, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम सेम अगेन हम मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में ही रिलेशन निकालेंगे, बट हम वहाँ रिलेशन निकालेंगे जहाँ हम कहते हैं कि जहाँ हम बायोट सावर्ट लॉ लगाना जहाँ हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। जैसे कि या हम कह सकते हैं अगर हमें इजी वे में निकालनी हो मैग्नेटिक फील्ड तो हम एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते होगे कि हमें थीटा देखना पड़ेगा, आर एल आई ये सब देखना पड़ता है। तो हम इतना सब अगर नहीं देखना चाहते हैं तो बहुत सिंपल सी फॉर्म क्या है, तो इसकी बहुत सिंपल सी फॉर्म ये है कि मान लीजिए कि ये कोई भी एक कंडक्टर जिसमें से आई करंट पास हो रहा है। अब क्या होगा, हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है, हमने टेंथ में भी पढ़ रखा है कि जिस तरफ करंट जा रहा होता है पुट योर थंब उस जगह पर, एंड जहां पर आपकी फिंगर्स रैप हो रही हो, ठीक है, जहां रैप हो रही हो तो वो आपकी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो यानी कि ये यहाँ से जा रहा है और मान लो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस तरीके से होगी हर जगह पर, ठीक है। तो चलो हमने डायरेक्शन की तो बात कर दी, बात खत्म। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की। अब मैग्नीट्यूड अगर मुझे निकालना है, मान लो मुझे किसी इस पॉइंट पर निकालना है, ठीक है, मान लो यहाँ कोई पॉइंट पी है, यहाँ पर निकालना है कि अब इसमें से जो करंट निकल रहा है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसकी डायरेक्शन मुझे पता है, बट मुझे उसका मैग्नीट्यूड निकालना है इस पॉइंट पर। तो एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या कहता है, वो कहता है कि भाई पहले तो ना आप इसके ऊपर एक लूप बना लो, ठीक है, पहले बना लो लूप, उसे हम बोलते हैं एम्पीरियन लूप। क्या बोलते हैं, एम्पीरियन लूप। तो इस पॉइंट पे एक लूप क्रिएट कर लो, तो ये हमने एक लूप बना ली। याद से ये लूप एक स्फीयर नहीं है, ये एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल, तो सर्कल है ये एक तरीके से, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम मानेंगे कि ये जो लूप है इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये आ रही है तो हम लूप के लिए भी डायरेक्शन मान लेंगे कि इस लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ये है, ठीक है। वैसे हम अपने अकॉर्डिंग भी मान सकते हैं कि अगर हम करंट नीचे की तरफ ले रहे होते तो हम ये लूप के डायरेक्शन ये मान लेते, लेकिन हम अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ये मानते हैं कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड के उसी डायरेक्शन की हमने लूप मान ली, ठीक है। फिर दूसरा हम मानते हैं यहाँ पर लेंथ एलिमेंट, क्या मानते हैं, लेंथ एलिमेंट। अभी लेंथ एलिमेंट क्या होता है, अब लेंथ एलिमेंट हम मान लेंगे कहीं भी छोटा सा नॉर्मल सा इस तरीके से ई लेंथ एलिमेंट मान लिया, ठीक है। वैसे तो पूरी क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी, इसको स्मॉल सा हमने मान लिया डी एल, ठीक है, सच दैट कि ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की क्या है, ये इस तरीके से है, मैग्नेटिक फील्ड की भी जो डायरेक्शन है वही इसकी डायरेक्शन है, डीएल की डायरेक्शन है,
ठीक है, अगर यहाँ मानना चाहो तो यहाँ ही डीएल मान लेते, राइट। तो यहाँ मानना चाहो यहाँ मान लेते हम डीएल। तो इस तरीके से आप कहीं भी डीएल मान सकते हैं, ठीक है। तो हमने मान लिया करंट एलिमेंट। अब हमारा एम्पियर सर्किट लॉ क्या कह रहा है, वेरी सिंपल, कि क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ एलिमेंट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। और आई, अब ये सब चीज़ें क्या हैं, अब ये हैं सबसे पहली बात, तो मैग्नेटिक फील्ड, इस पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, इस लूप पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। क्लोज्ड इंटीग्रल, क्योंकि एक लूप जो है क्लोज्ड है। डीएल यानी कि स्मॉल लेंथ की वजह से, स्मॉल लेंथ, अब स्मॉल लेंथ के ऊपर भी क्या है, इंटीग्रल है, यानी कि इस लेंथ 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 सारी आ जाएगी इसके अंदर, ठीक है। इज इक्वल टू म्यू नॉट, अब म्यू नॉट क्या होता है, म्यू नॉट होती है परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अब जैसे कि यहाँ पर तो म्यू नॉट लिखा हुआ है, म्यू नॉट हो गया परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब क्या होता है, इधर एयर और वैक्यूम, यानी कि परमिएबिलिटी परमिशन देती है, ऐसी मीडियम जो परमिशन देती है कि कितनी आपकी एबिलिटी है मैग्नेटिक फील्ड को आप उसमें से पास होने देते हो, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ यहाँ एयर की बात करो, तो एयर अपने में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड कहती है, भाई चली जा चली जा, उसकी उतनी परमिएबिलिटी है। वैक्यूम कितनी कहता है, वो उसकी परमिएबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ कोई और मीडियम होता तो हम यहाँ लिखते हैं म्यू नॉट, विच इज परमेबिलिटी ऑफ एनी मीडियम, जो भी मीडियम वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। तो उस मीडियम की कितनी एबिलिटी है कि वो अपने में से कितनी परमिशन देता है मैग्नेटिक फील्ड को जाने की, उसे हम परमेबिलिटी कहते हैं। नाउ व्हाट इज आई, आई इज द करंट एनक्लोज्ड इनसाइड द लूप, करंट एनक्लोज्ड इनसाइड द लूप, लूप के अंदर कितना करंट है, कितना करंट है लूप के अंदर, तो वो होता है आई। तो इसको अगर हमने वर्डिंग्स में डिफाइन करना हो तो हम क्या बोलेंगे, कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन क्लोज्ड लूप इज द म्यू नॉट टाइम्स द करंट थ्रेडिंग थ्रू द लूप, करंट थ्रेडिंग थ्रू द लूप। थ्रेडिंग थ्रू द लूप का मतलब है कि लूप के अंदर कितना थ्रेडिंग है, यानी कि कितना निकल रहा है, ठीक है, उसे हम बोलेंगे एम्पियर सर्कुटल लॉ कहते हैं इसको हम, राइट। तो हम ये एम्पियर सर्कुटल लॉ कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, हम कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है, कहीं भी लगा सकते हैं। कहीं भी करंट जा रहा है उसके आसपास हमें कोई भी निकालना है, तो उस पॉइंट पे हम एक क्या बना देते हैं, सर्कल सा बना देते हैं और उसके ऊपर हम ये लॉ लगा देते हैं। लेकिन ये कहाँ यूजफुल ज़्यादा कहाँ है, यूजफुल ज़्यादा कहाँ है, या फिर आप पेपर में क्या आएगा, किसकी कंडीशंस क्या है, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो टेंजेंशियल होती है किसके, डीएल के, ठीक है, टेंजेंशियल होती है डीएल के, या फिर आप कह सकते हो लूप के। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते होगे कि इन दोनों के बीच में क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। अगर वो एक दूसरे के टेंजेंशियल है, टेंजेंशियल यानी कि एक के ऊपर एक आ रहा है, तो दोनों के बीच में जो एंगल होगा, थीटा होगा, वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगी तो ये क्या हो जाएगा आपका, बी डीएल कॉस थीटा, अगर इसका हम मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो, क्योंकि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। तो अगर कॉस जीरो लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, वन, तो ये नॉर्मल आ जाएगा आपके पास बी डी एल, आगे इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पहला हो जाता है कि अगर जो बी है, बी इज टेंजेंशियल, टेंजेंशियल टू द लूप, टू द लूप, और लूप पे ही आपने क्या ले रखा है, ये आपने लेंथ एलिमेंट ले रखा, तो यानी कि आपस में दोनों का एंगल कितना होना चाहिए, जीरो। दूसरा क्या है, या फिर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डीएल के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, ठीक है, या फिर लूप के परपेंडिकुलर हो। तो यानी कि थीटा दोनों के बीच में कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो अगर कॉस 90 होता है, कॉस 90 क्या हो जाएगा, जीरो। तो यानी कि सीधा सीधा बी डी एल जो होगा वो कितना आ जाएगा आपके पास, जीरो। तो इसको हम लिख सकते हैं बी डी एल कॉस 90 इसे जीरो, तो ये टोटल टोटल कितना आ जाएगा, जीरो, कि उसमें आई नहीं रही है, बनी नहीं रही है कुछ भी, ठीक है। एंड थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बी जो है वो वहां से वैनिश ही हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड वैनिशेस,
वैनिशेस, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ही वहां पर ना हो। तो अगर बी ही जीरो होगा तो जीरो पुट कर देंगे तो वैसे ही कितना आ जाएगा, बी डी एल कितना आ जाएगा, जीरो ही आ जाएगा, नॉर्मली जीरो आ जाएगा, राइट। तो अब ये हो गया एक एम्पियर सर्कुलर लॉ। अब हम यही लॉ अप्लाई करते हैं एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए। तो अब हम बात करेंगे स्ट्रेट करंट कैरिंग इन्फिनाइट लॉन्ग कंडक्टर। तो मान लो कि ये एक वायर है जो इन्फिनाइट लॉन्ग है, यानी कि यहाँ से भी बढ़ रही है और यहाँ से भी बढ़ रही है, ठीक है। तो इसमें करंट जा रहा है, आई करंट जा रहा है, ठीक है। अब मुझे किसी एक पर्टिकुलर पी पॉइंट पर बताना है, मान लो ये पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पर बतानी है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू दिस, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या बनाना है, एम्पीरियन लूप बनानी है जो इस पॉइंट से पास हो रही हो, ठीक है। तो ये हमने बना ली एम्पीरियन लूप, ठीक है। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, तो हम लूप पे भी वही डायरेक्शन मान लेते हैं, ठीक है, ये है, ठीक है। तो ये हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ओके। अब यहीं पर ही हमें सेकंड स्टेप क्या होता है, हमें क्या लेना होता है, लेंथ एलिमेंट मानना है। तो हमने ये मान लिया यहाँ से लेकर यहाँ तक छोटा सा लेंथ एलिमेंट मान लिया, दैट इज डी एल, ठीक है। जो ये क्या है, इसके ऐसे टेंजेंशियल है, ठीक है, क्या है, टेंजेंशियल है, टेंजेंशियल है, यानी कि यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड की भी यही डायरेक्शन है और डी एल की भी यही डायरेक्शन है, राइट। अच्छा, ये सब चीज़ें हमने मान ली, ओके। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अगर मैं एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाती हूँ तो लॉ क्या कहता है, वो कहता है बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई कहता है, ठीक है, ये कहता है। अब हमें इसके ऊपर ये लॉ लगाना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हुए मैंने ये देखा कि मैग्नेटिक फील्ड में और डी एल के बीच में जो एंगल है वो कितना आ रहा है, थीटा कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, क्योंकि डी एल की भी ये डायरेक्शन है, बी की भी ये डायरेक्शन है, थीटा आ रहा है जीरो। तो अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ बी डी एल कॉस जीरो, एंड कॉस जीरो क्या होता है, वन होता है, तो वो हो जाएगा नॉर्मल बी डी एल हो जाएगा, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड पूरी लूप में क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है ना कि यहाँ पर पूरी लूप में मैग्नेटिक फील्ड हर जगह पर यूनिफॉर्म होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो बाहर आ जाएगी। अब लाइन इंटीग्रल किसका आ गया, डी एल का। अब डी एल मतलब ये स्मॉल डी एल, ये स्मॉल डी एल, छोटे 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 डी एल डी एल पार्ट करते करते पूरी लेंथ आ जाएगी सर्कल की, और पूरी लेंथ क्या होती है, लेंथ ऑफ अ सर्कल इज सर्कमफ्रेंस, और सर्कमफ्रेंस के लिए हम मान लेते हैं इसका जो रेडियस है वो कितना है, आर है। तो ये हो जाएगा सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल विच इज इक्वल टू 2πr हो गया, ठीक है, ओके। ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होगी, राइट हैंड साइड में म्यू नॉट इज कॉन्स्टेंट, व्हाट इज आई, आई इज द करंट एनक्लोज्ड इनसाइड द लूप, ठीक है, इनसाइड द लूप तो करंट आई ही है, तो बस वही रहने देंगे। अब इसको हम पुट कर देते हैं, तो इसमें अगर मैं ये वैल्यूज पुट करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, इसके जगह पे आ गया बी 2πr इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। तो यहाँ बी आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2πr। तो ये आ गया आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एट दिस पॉइंट, ठीक है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से आप ये भी देख सकते होगे कि जो बी है, बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी कि जितनी आप दूर लोगे लूप, ठीक है, मान लो ये पॉइंट P यहाँ पे होता, यहाँ पे आप लेते तो यहाँ के लिए R बड़ा हो जाता, R बड़ा हो जाता तो यहाँ पे हम बता सकते थे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ यहाँ पे कम होती। अगर पॉइंट यहाँ पर लेते और यहाँ पे लूप बनाते तो R छोटा होता, R छोटा होता तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती, तो इस तरीके से बता सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने लगाया एम्पियर सर्कुलर लॉ ऑन अ स्ट्रेट करंट कैरिंग इन्फिनाइट लॉन्ग कंडक्टर। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, क्या, ये तो एक हम करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर के लिए लगा रहे थे। अगर मैं किसी एक लूप के लिए लगाती हूँ कि ये लूप है और यहाँ से करंट पास हो रहा है और इसके इनसाइड बताना है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड है, जो हमने बायोट सेवर्ट लॉ में किया था कि एक लूप है जिसमें ऐसे करंट पास हो रहा है और आपको मैग्नेटिक फील्ड बतानी है अंदर की तरफ, उसके सेंटर में कितनी मैग्नेटिक फील्ड है। तो आप ये कह सकते हो कि एम्पियर सर्कुलर लॉ की एक लिमिटेशन है कि वो एक सेंटर में नहीं बता सकती, क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे वो सर्कल कैसे बनाएगी,
ठीक है, इस पॉइंट पे सर्कल नहीं बन सकता, सर्कल बना के कहाँ जाएगी? और अगर सर्कल यहाँ पे मान लो बना भी लेती है तो इसके अंदर जो होगा कोई भी करंट नहीं जा रहा है, राइट? तो जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये इसकी एक लिमिटेशन भी है कि एक सर्कुलर लूप में अगर करंट पास हो रहा है तो सेंटर में कितनी मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारा एम्पियर सर्कुलर लॉ नहीं बता सकता। ठीक है, तो करते हैं अब इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल जो हमारी एनसीईआरटी में भी गिवन है और उससे एक हमारा एक क्वेश्चन भी बनता है, लेट अस डिस्कस। तो एग्जांपल 4.8 डिस्कस करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि सेम चीज आपके ऐसे भी आ सकती है। अगर मैं कहूँ कि जैसे कि हमने यहाँ पर फाइंड किया स्ट्रेट करंट कैरिंग इन्फिनाइट लॉन्ग कंडक्टर, तो यहाँ पे हम सिलेंडर के लिए भी फाइंड कर सकते हैं कि एक सिलेंडर के एजेस पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, उसके इनसाइड कितनी होगी, आउटसाइड कितनी होगी यूजिंग एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो उसके लिए और इसके लिए बिल्कुल सेम चीज है। कैसे, ध्यान से देखना, हमें एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर दे रखी है, ठीक है, जिसका क्रॉस सेक्शनल सेक्शन दे रखा है, ये रेडियस आपको दे रखा है ए, ठीक है, और हमें बोल रखा है इसके अंदर करंट आई पास कर रहा है, करंट आई इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन एरिया। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन जिसका रेडियस इससे कम है, यानी कि यहाँ पर निकालना है, यहाँ पे निकालनी है हमने मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है यहाँ पर, ठीक है। अब इसी चीज को, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल है, मैं इसको ऐसे वर्टिकल कर देती हूँ तो आपको समझ में आएगा मैं किस तरीके से सिलेंड्रिकल पार्ट बोल रही हूँ। कि अगर आपको आए कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड फॉर यूनिफॉर्म सिलेंडर, तो उसके लिए आप कैसे करोगे, इनसाइड द सिलेंडर, आउटसाइड द सिलेंडर, ऑन द सिलेंडर, तो आप क्या करेंगे, ध्यान से देखना। तो ये चीज़ एक इन्होंने क्या बोली, वायर बोली है, तो ये लगा लो, मैंने वायर मोटी सी बना ली, कोई दिक्कत नहीं, एक सिलेंडर बन गया मेरे लिए, ठीक है, तो ये वायर हो गई। अब इसका जो रेडियस है ये आ गया इसका एक तरीके से क्रॉस सेक्शनल एरिया आ गया, ठीक है, ये हो गया इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ओके। इसका जो रेडियस है वो है आपके पास कितना, ए दे रखा है ना, ए दे रखा है, ओके। तो अब इसमें से करंट पास कर रहा होगा, इस तरीके से करंट पास कर रहा है, ओके। तो सबसे पहले मैं ले लेती हूँ कि मुझे एक ऐसे लूप पे निकालनी है जिसका रेडियस ए से ज्यादा हो, तो उसके लिए मैं लूप कंसीडर कर लेती हूँ ये वाली, तो जिसका सेंटर से जो बन रहा है यहां पर कितना बन रहा है, आर, ये आर बन रहा है, ठीक है, ये दे रखा है आपको, तो ये पॉइंट हो गया पी। तो मुझे यहां पर निकालनी है इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। तो जब भी हम एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाते हैं तो सबसे पहले तो हम क्या बनाते हैं, एम्पीरियन लूप बनाते हैं, तो इसी के ऊपर ही मैं बना देती हूँ एम्पीरियन लूप, लगा देती हूँ, ये रही मेरी एम्पीरियन लूप, सो दैट मैंने इसी लूप के ऊपर क्या लगाना है, ये लॉ लगाना है, ठीक है। अब करंट जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अगेन इसकी डायरेक्शन भी यही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यही है, ठीक है, ओके। अब मेरे को क्या लगाना है, मेरे को लॉ लगाना है, तो लॉ लगा लेते हैं, ये होता है आपके पास लॉ, बी डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, ये होता है, ठीक है। तो सबसे पहले म्यू नॉट तो कांस्टेंट होता है, आई, आई क्या होता है, आई कितना इसके अंदर करंट जा रहा है, ठीक है, करंट एनक्लोज्ड इन द लूप, कितना करंट एनक्लोज्ड है, आई करंट एनक्लोज्ड है, तो वो आई हो गया, ठीक है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे करंट एनक्लोज्ड, करंट enclosed inside the loop, वो कितना है, I ही दे रखा है, तो I बना देता है उसको, कोई दिक्कत नहीं हमें, ठीक है, ओके। नाउ बाकी बचा B एंड DL, ठीक है, कितनी मैग्नेटिक फील्ड है और कितनी DL है, तो ये हमें निकालना है। अब चलो ये निकालते हैं, दिस इज बी डी एल, तो B इज कांस्टेंट, अब एम्पीरियन लूप बनाई तो उस लूप पे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म ही होती है, तो B हमारा कांस्टेंट बाहर आ गया। अब किसके ऊपर इंटीग्रल लगेगा, सिर्फ DL के ऊपर लगेगा इंटीग्रल। अब DL मतलब क्या है, ये स्मॉल एलिमेंट, ये लगा लो इसका स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट सब के स्मॉल करंट लेंथ एलिमेंट लेते रहेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ द लूप, जिसका रेडियस क्या है आपके पास, स्मॉल आर है, तो क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ द लूप विच इज इक्वल टू 2 pi और रेडियस इज आर हेयर, ये आ गया। अभी हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं हम यहाँ पर, तो ये था हमारा लॉ बी डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, तो हमारे पास आ गया बी, इसकी वैल्यू निकाली हमने 2 pi r इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, तो बी की वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई अपॉन में 2 pi r,
ठीक है, तो ये वो कौन से वाला केस है, ये वो केस है व्हेन आर इज ग्रेटर देन ए, ठीक है, इस ए से, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वायर थी ना, ये वायर थी, इस वायर का एरिया कितना, इस वायर का रेडियस कितना था, ए, तो हमने एक ऐसी लूप बनाई जिसका रेडियस इस ए से ज्यादा था, तो ये वो वाला केस हो गया, डन डन। वैसे उन्होंने पूछा नहीं है, लेकिन अगर ऑन द लूप पूछा जाता, ठीक है, ऑन द वायर पूछा जाता, तो मैं लिख देती हूँ, सॉरी, ऑन द वायर, ऑन द वायर, या फिर हम सिलेंडर की बात करें तो ऑन द सिलेंडर कितनी होती मैग्नेटिक फील्ड, सेम होती, सेम होती, बस आर की जगह क्या आ जाता, ए आ जाता, तो बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2πa। तो ये मैंने आपको एक एक्स्ट्रा बताया जो इसके अंदर पूछा नहीं गया, बट स्टिल, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं, इस केस की बात करते हैं जब रेडियस छोटा होगा इस क्रॉस सेक्शनल रेडियस के, यानी कि अब मैं सिर्फ इतना सा एरिया ले रही हूँ, ये वाला, ठीक है, अब ये जो है ये छोटा सा स्मॉल रेडियस है, तो इसको हमने R1 मान लिया, R1 उन्होंने ऑलरेडी दे रखा था, तो ये R1 हो गया, ठीक है। अब इसके लिए हमें निकालना है, तो अब नेक्स्ट वन इज व्हेन R इज लेस देन A, ठीक है, इसके लिए निकालना है। अब देखो, अब अगर मैं इसके ऊपर एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाती हूँ, तो B हो जाएगा DL हो जाएगा, ठीक है, म्यू नोट हो जाएगा I, पहले मैं बी डी एल निकाल लेती हूँ, तो ये हो जाएगा बी डी एल, तो अगेन इस वाली लूप पे भी मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, एंड इंटीग्रल हो जाएगा डीएल का, एंड यहां पर जो होगी वो क्या होगी, 2 पाई आर वन होगी, है ना। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे बी इंटू 2 पाई आर वन, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या है आपके पास, म्यू नॉट आई, आई क्या होता है, आई होता है करंट एनक्लोज्ड इन द लूप। अब ये रही लूप, है ना, इसके अंदर कितना करंट जा रहा है, अगर आप ये ध्यान से देखो तो इसके अंदर करंट ये लाइन जा रही है, ये लाइन जा रही है, ये लाइन जा रही है, जो यहाँ लाइनें जा रही है वो तो नहीं जा पा रही है इसके अंदर, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करंट निकालना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें क्या पता है, हमें पता है करंट थ्रू एरिया पाई ए स्क्वायर, पाई ए स्क्वायर से कितना करंट जा रहा है, आई करंट जा रहा है ना। तो यहां अब हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे, तो करंट थ्रू एरिया वन मीटर स्क्वायर, यानी कि यूनिटी के लिए कितना बनेगा, तो करंट अपॉन में ये एरिया आ जाएगा पाई ए स्क्वायर, ठीक है। अब करंट थ्रू एरिया, इतने से एरिया में कितना करंट जा रहा होगा, दैट इज पाई आर वन स्क्वायर, कितना होगा, आई पाई ए स्क्वायर इंटू पाई आर वन स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये करंट जा रहा होगा इसके अंदर। अब हम यहाँ पर ये लगा देंगे लॉ, लगा दो लॉ यहाँ पे, क्या लगेगा, बी डी एल म्यू नॉट आई, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास बी टू पाई आर वन म्यू नॉट, और आई की हमने क्या निकाली, करंट इस लूप में से कितना जा रहा है, आई इंटू पाई आर वन स्क्वायर अपॉन में पाई ए स्क्वायर, ठीक है। तो बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई पाई आर वन स्क्वायर अपॉन में पाई ए स्क्वायर, ये नीचे आ जाएगा इंटू टू पाई आर वन। अब इसको हम कैंसिल कर देते हैं, जो जो कैंसिल हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल, ये आर वन स्क्वायर है, एक आर है वो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, म्यू नॉट आई अपॉन में टू पाई ए स्क्वायर, और ऊपर क्या बन गया, आर वन, ये बच गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखना कि जब जो हमने लूप ली थी, जब वो रेडियस से बड़ी थी, बड़े वाले लूप के लिए बी जो था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था आर के, है ना, कि जितनी दूर दूर जाते रहेंगे मैग्नेटिक फील्ड जो होती रहेगी वो वीक होती रहेगी। लेकिन जैसे ही हमने इनसाइड लिया, इनकी करंट के अंदर वाली पोर्शन लिया, तो हमने यहाँ पर देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई आर के, ठीक है। तो इसको अगर मैं एक ग्राफ पे बनाऊं तो ग्राफ कैसे बनेगा इसका, कुछ इस तरीके से बनेगा कि ये रहा ग्राफ, ठीक है, ये हो जाएगी अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ की बात करती हूँ यहाँ पे, और यहाँ मैं रेडियस की बात करती हूँ, और ये मैंने एक पर्टिकुलर लगा लिया ए,
ए तक, ठीक है। तो हम जैसे जैसे अंदर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो जैसे जैसे मेरा आर बढ़ रहा है वैसे वैसे बी बढ़ रहा है, यही हो गया ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन, ठीक है। तो जैसे जैसे आर बढ़ रहा है अंदर की तरफ वैसे वैसे बी बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे आर बढ़ रहा है वैसे वैसे बी बढ़ रहा है, तो ये हो गया लीनियर स्ट्रेट हो गया। और जैसे ही ए पे पहुंचे, अब जैसे जैसे आर बढ़ रहा है वहां से जो बी है वो कम हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो इसको हम कैसे कर देंगे, ये ऐसे हो जाएगा। तो ये हो गया यहाँ पे जब b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r के, यहाँ जब b इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r के। तो इस एग्जांपल से आपने एक तो ये वाला भी आप सॉल्व कर सकते हैं कि अगर आपको पूछा जाए कि एक स्ट्रेट वायर है, ठीक है, तो आप वायर के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। सिलेंडर पूछा जाए तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। दोनों का ही सॉल्व करने का सेम मैथड है, इट जस्ट क्वेश्चन का फॉर्म डिफरेंट है। आई होप यू गॉट दिस। अब हम इसकी और एप्लीकेशन करेंगे हम पेयर सर्किट लॉ के, जहां में बायोट सावर्ट लॉ नहीं लग पाएगा। जैसे कि एक सोलेनोइड की शेप के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगी, एक टोरॉइड की शेप के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगी, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।